24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना नुआ। लोकसभार प्रथम अधिवेशन रे हिंदू को हिंस्र कहिले राहुल गांधी। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाइले आपत्ति। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना हिंदूर चरित्र को नहीं कांग्रेस और बीजेपी मध्यरे वादानुवाद। देशरे संख्यालघु ध्रुवीकरण पर राहुल गांधी स्ट्राटेजी हेब कि बुमेरांग। विरोधी दल नेता राहुल क्षमा मागिबा को दाबी कले गृहमंत्री अमित शाह। हिंस्र की हिंदू समाज हिंदू को नहीं संसद में राहुल गांधी बयान को नहीं सृष्टि होइछि बड़ विवाद। नुआ लोकसभार प्रथम अधिवेशन संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण उपर चली आलोचना वक्तव्य रखुले विरोधी दल नेता राहुल गांधी। संविधान ना नहीं मोदी सरकार उपर आक्रमण करुले राहुल आउ कहु कहु कहीदे जो मैंने निजक हिंदू कहती से मैंने 24 घंटा हिंसा और घृणा कर अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। नफरत नफरत नफरत। यापर सदन में आरंभ हो गला जोरदार हंगामा। राहुल बयान को तीव्र विरोध कले शासक दल नेता। स्थिति एमती है निज आसन ढड़ा हेले निजे प्रधानमंत्री कहले पूरा हिंदू समाज को हिंसक कहवा गुरुतर कथा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना हिंदूर चरित्र को नहीं राहुल बयान संसद में सृष्टि कला असंभाल स्थिति। आई एनडीआई मेंटो एनडीए सदस्यों मध्य जोरदार कथा कटाकटी। गृहमंत्री अमित शाह कहले हिंसा को कौन सी धर्म सह जोड़ा बड़ भूल। देश को क्षमा मागंतु राहुल गांधी। उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं। मनोहर इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने मैं मानता हूं मान्यवर उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। इति के नुहे राहुल को दल को टारगेट करी जरूरी परिस्थिति कथा उठाइले अमित शाह। अभय की बात को इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा था कि आपका आपातकाल के वक्त था। और मानवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके साथ मानवर मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए न केवल सदन पूरे देश की माफी मांगनी। हिंदू विरोधी आभिमुख्य पाई पूर्वर कांग्रेस को देवाक पड़ी राजनैतिक मूल्य। 2014 और 2019 लोकसभा विरोधी दल नेता पदवी हर बसी कांग्रेस एथर भी लोकसभा 3 अंक छुई पारिना। देश को सर्वाधिक काल शासन कर दल
या भितरे देशरे संख्यालघु ध्रुवीकरण पाई राहुल गांधी को स्ट्रेटेजी तांको दल पाई बुमेरांग पलटिबो कि ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सीमा तू प्लस टू परे कौन करिबू? बीएससी नर्सिंग। आउ तू? एमआरटी। तू? बीएससी ऑप्टोमेट्री। तू कौन करिबू? बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। रिया तू? बीएससी इन ईएमटी। तू? बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। आउ तू? बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अच्छा रोजी तू कौन पढ़ीबू? मु तो बीपीटी पढ़ीबी। अच्छा मैं कोठी पढ़ीबा? साई नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस कॉलेज। साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढ़ीबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।